इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी माँ के जायज है, जायज है, जायज है। दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब जनता इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छटनी छटनी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छटनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। एक संस्था है जिसका नाम है जननी और एक एनजीओ है ये, और ये सारे उनके कर्मचारी हैं। आखिरकार ये लोग रोड पे क्यों आ गए हैं? और 20-25 साल अपनी जिंदगी के इस संस्था को देने के बाद आज इस संस्था के गेट के बाहर बैठे हैं सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। इतनी चिलचिलाती धूप है, हम इनसे जुड़ते हैं, क्या मांगे हैं? क्या नाम है चाचा? नाम राजकुमार राय। क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत है कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, 25 बरस, कोई 20 बरस, कोई 10 बरस, कोई 12 बरस से, और बेगर नोटिस दिए, बेगर कुछ कहे हटा दिया गया है, और इसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ आज धरना पर बैठे हैं। किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? किए सर, लेकिन कोई नहीं आया। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, 3 सिक्योरिटी गार्ड थे जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड को रखे हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड हमको निकाल दिया गया है। मेरा 2 बच्ची है शादी करने लायक, 5-7 लाख लोन है, इसी नौकरी के बदौलत लिए थे, और नौकरी खत्म हो गई, कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से लोन देंगे। तो जब आप लोग ने ज्वाइन किया था तब कितनी सैलरी थी? हम लोग का 10,000 से स्टार्ट हुआ था। कितना साल हो गया नौकरी का? 6 साल हुआ है। 6 साल हो गया है, और बिना किसी नोटिस के? बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग ने अंदर जब बात किया तो क्या कुछ बोला ये लोग? वो कुछ सुनने ही चाहते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। ये लोग सीधा तानाशाही वाला काम करते हैं। हमने 14 साल से ड्यूटी किया हूँ, 2400 से किया ड्यूटी। आज हम लोग को जो भी ईमानदारी से ड्यूटी किया हूँ, कोरोना काल में भी हमने ड्यूटी किया। हम अपने फैमिली को डरा नहीं कि हमको कोरोना होगा, हमारे फैमिली को कोरोना होगा। हमने पेट के लिए हमने वो भी त्याग दिया, काम किया ईमानदारी से। आज अचानक बोल रहा है कि आप लोग जाइए। अरे भाई, आपको 3 लाख 4 लाख मिल रहा है, उसमें 10% हम लोग भी मिल रहा है, कम करके रखिए हम लोग को। तो नहीं तो हम रहेंगे, तू लोग जाओ। ये लोग 4-5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग 14 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग अपना मनमौजी कर रहे हैं। शर्मा युग में लेबर कोर्ट में हम लोग ये शर्मा युग से वार्ता के लिए वहां से बोलते हैं, ये लोग जेबे नहीं करते हैं। हमने बोले वहां से कागज भेजा, कानूनी कार्रवाई किएंगे, कुछ नहीं सुन रहा। बोले नहीं, जो बुझाना जो करो, ये लोग अपना सोच रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि हम गरीब का पुकार सुना जाए। गरीब आदमी ना रहने का घर ना द्वार, बच्ची का शादी करना है, ये सब मैंने गुहार लगाया मैडम से, सर से, कि सर गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे, ऐसा घर ना द्वार किराया देंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर निकाल भी रहे थे तो एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं दिया मैडम, जैसे बोला गया था, हम लोग को बोला गया था कि ऐसा बात है, तो हमने गुहार लगाया कि भाई ऐसा कैसे होगा, इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। तो नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है। तो हम बोले उसी में कम कीजिए। तो बोला हम कम करेंगे, हमको कम होगा 3 लाख 10% कम होगा, 30,000 कम होगा। सीधे बोल रही हैं कि हमको 30,000 कम होगा तो हम 30,000 सहेंगे। इनको 3 लाख मिला, 4 लाख मिला, 10% के कम होता तो हम लोग 3,000-2500 कम होगा। वो लोग सीधे बोल रहे हैं हम 30,000 कम कहाँ करेंगे। तो आप 4 लाख लेने के 30,000 कम नहीं कर सकते, गरीब को मार रोड में भगा सकते हैं, मरे तो मरे। आप लोग जैसे कितने और लोग हैं? हम लोग जैसे 14-15 आदमी लोग हैं, लेकिन कुछ बाहर के हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। बाहर के हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, पटना में रह करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। बाहर के लोग हैं तो आने जाने में दिक्कत हो रहा है उनको। हमको तो ऐसा किया गया है कि कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने साल से काम कर रहे? 11-12 साल से काम कर रहे, 2008 में बहाली हुए हैं। हमको यहाँ से ट्रांसफर भी किए ये लोग जाकर के आसाम गुवाहाटी। सोच लीजिए कि वहाँ से मेघालय नागालैंड सब काम किए हैं हम, और वहाँ से बुला करके हमको बुला करके तुरंत वहाँ ड्राइवर को बहाली भी कर रहे हैं। अच्छा। हमको यहाँ से ट्रांसफर करके ऑफिस में भी ड्राइवर को बहाली किए हैं, लेकिन हमको बहाली अति बुला करके तुरंत बोल देते हैं कि आपको नौकरी समाप्त कर दिया गया है। ये तो कहीं का रूल नहीं है। हम मतलब 2008 से करीब 4,000 रुपया से तनख्वाह से हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हम इनसे ऐसे आपको छोड़ दिया गया जी? मतलब हम इसका लिखित आवेदन मुख्यमंत्री ऑफिस में, सचिवालय में, शर्मायुक्त के पास में, वहाँ से डिसीजन भी हुआ किसे आपका जब बहाली, जब फंड का प्रॉब्लम है, हमको हटाया गया कि फंड का प्रॉब्लम के चलते। तब फंड का प्रॉब्लम है तो हमको हटा करके आप ड्राइवर को बहाली क्यों कर रहे हैं भाई? हमको 29 जुलाई के बाद हटा रहे हैं और 9 अगस्त को बहाली भी कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते हमारा 3 साल से हमारे पास में प्रॉब्लम खड़ा है। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं आधे से ज्यादा लोगों की उम्र निकल चुकी है, बुजुर्ग है,
जहाँ पे घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटियों की शादी करानी है। इसके साथ ही कुछ विकलांग भाई भी हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं। कैसे आप विकलांग, सबसे पहले आप बता रहे थे कि आप इस नौकरी के चलते ही हो गए। जी हाँ, हम 1998 से यहाँ काम कर रहे हैं। 2008 में हमारा ब्रेन हेमरेज कर गया था और उस समय काम का प्रेशर बहुत रहता था। ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग भले जो बोले लोग नहीं जानते हैं। हम लोग 8-9 बजे रात तक कंटिन्यू काम करते थे। कितने घंटे का ड्यूटी देते थे? हम लोग तो उस समय देते थे कम 13 घंटा 12 घंटा 14 घंटा ऐसे देते, कोई लिमिट नहीं था। और उस कंटिन्यू काम करते रहे, काम में अच्छा प्रोफेशन दिया अपना। उसके बाद एटेंडम सितंबर के अगस्त में बोलते हैं कि यही आपका सेवा समाप्त हो गया। हम काम करते भी, हम लेटर भी दिखलाए कि काम करते भर में विकलांग को नहीं निकाला जा सकता है, इन्होंने नहीं सुना, निकाल दिया, तानाशाह है। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार आपकी किस तरीके से मदद करे? एक तो सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं लोग, पालन नहीं करते। शर्मायुक्त क्या बोलते हैं, मनीष कुमार जी हैं, उनको बार बार नोटिस में बुलाने के लिए भेजते, आते नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं, देते नहीं है। सैलरी रिसीट मांगते हैं, देते नहीं। कि आप लोग का इतना सैलरी कैसे आ रहा है? आप लोग का 4-5 लाख वाले के लिए पैसा है, छोटी हिसाब के लिए पैसा नहीं। सैलरी स्लिप मांगा जाता है तो ये वो नहीं देते। नहीं, लिखित दिखला सकते हैं, लिखित सारे आदमी के सबके पास है। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं आधे से ज्यादा लोगों की उम्र निकल चुकी है, बुजुर्ग है। इस संस्था को, जननी संस्था को, कम से कम 25-24 साल की अपने जीवन का योगदान दिया है, एक तरीके से काम किया गया है। लेकिन अब जब इनको इस संस्था की जरूरत है उम्र की इस पड़ाव पर, तब फिर ये संस्था इनको यहाँ से धक्के मार के निकाल रही है। हमने वरिष्ठ अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि हम नहीं बात करेंगे। अब ये देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो ये लोग गुहार लगा रहे, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी गुहार को सुनेंगे। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।